इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नौ सौ के ऊपर हो गया है और सौ रुपए और बढ़ने वाले हैं, मैंने हजार रुपए के और हो जाए, अच्छे दिन आने वाले हैं। पेट्रोल का दाम कितना है अपने यहाँ पे? हाँ, 75। बम्बई में तो 90 के ऊपर चला गया था, हमने कहा कि अभी 100 हो ही जाएगा ये सेंचुरी, लेकिन बीच में इलेक्शन लग गए तो दाम थोड़े कम हो गए। तेल का भाव बढ़ा, पेट्रोल का भाव बढ़ा, गैस का भाव बढ़ा, जमीन के भाव कम हो गए, किसान को तो भाव ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कितने किसान हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन किसानों की हालत तो इतनी बदतर ये अच्छे दिनों में हो गई है कि अच्छे दिन किसे कहना, और अच्छे दिन कहना या नहीं कहना इसका भी डर लगने लग गया। अच्छा, डर तो हर एक बात का लगने लग गया है। मैंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है और संविधान आपको और हमको क्या अधिकार देता है इस बारे में मेरे समझ से हर एक हिंदुस्तानी को मालूम होना चाहिए और ये आपको भी मालूम है। पिछले एक साल से आपके कर्नाटक में काम कर रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शंस हुए तब जिंदगी में पहली बार ये महसूस हुआ कि मैं मेरे देश में सुरक्षित नहीं हूं। कैसे, मैं बताती हूँ भाई साहब। इलेक्शन हुए विधानसभा के, आपके एमएलए कुछ जीते कुछ हारे, राहुल जी ने निर्णय लिया कि कोएलिशन फॉर्म करना है, नेतागणों को पूछा गया और उन्होंने हाँ कह दी और राहुल जी का हुक्म सर आंखों पे, और सही बात है, संविधान को बचाना है तो सेक्युलर वोट साथ में रखना है, सेक्युलर लोगों ने साथ में लाना है, तो ये हो गया। हम लोग सारे एमएलए से सुनिए, बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बता रही हूँ। सारे एमएलए को लेकर एक रिसोर्ट में हम लोग रुके थे कि निर्णय हो रहा है, बातचीत हो रही, क्या करना है। उतने में आपके गवर्नर साहब ने ये घोषित कर दिया कि भाजपा सरकार बनाएगी, और जिस दिन येदुरप्पा साहब ने, वैसे तो गुस्सा आता है लेकिन अदब करना अपना रिवाज है इसलिए साहब कह रही हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले बात ये की कि वो रिसोर्ट की सिक्योरिटी निकाल दी, और कोई भी आ रहा था कोई भी जा रहा था, भाई साहब आपको पता होगा कि क्या हालत बना दी। फिर हमने कहा कि हमको तो हमारे एमएलए को सुरक्षित रखना है, हमें तो संविधान को सुरक्षित रखना है, तो वो सब करते हुए हमने कहा कि हम दूसरी जगह चले जाएंगे। हम एयरपोर्ट के पास आए तो हमारी फ्लाइट कैंसिल करा दी, फिर हम बाहर जाकर नाके से बाहर गए और हमने निर्णय लिया कि नहीं, हमें एक जगह जाना है और दूसरी जगह बताना है क्योंकि हम सबको सुरक्षित रहना है। तो वो सारे एमएलए लेकर हम लोग वहां से बाहर निकले और नाके के बाहर गए, हमने अपनी हमारे बसेस निकाली और फिर हैदराबाद घुसे, उसके बाद में डिक्लेयर किया कि हम लोग यहाँ पे हैं। उस गवर्नमेंट को, अपनी इस मातृभूमि के लोगों से हमें हमें भागना पड़ा, हमें डर लगने लग गया था कि अभी कौन आएगा हमारे गाड़ी में और क्या करेगा, किस तरीके से एमएलए को ये छीनेंगे और पता नहीं क्या क्या करेगा। ये डर मेरे हिंदुस्तान में मैंने महसूस किया, ये डर संविधान को तड़ोड़ने मड़ोड़ने का डर आपके कर्नाटक में और आपकी इस भूमि में, मेरे इस हिंदुस्तान में मैंने ये महसूस किया। इसके पहले मुझे नहीं लगता कभी किसी ने ये महसूस किया होगा, लेकिन मुझे जब डर लग रहा है तो आपको तो डर लगता ही होगा। अरे शरीयत के ऊपर भी ये लोग वार करने लग गए, जो खुद की बीवी नहीं संभाल सकते वो दूसरों की बीवियां कैसी संभालनी चाहिए ये बात करने लग गए, जो जो खुद का घर नहीं संभाल पाए, खुद अपने घर में अदब से रह नहीं पाए, वो ये बनाने लग गए कि शरीयत कितना खराब है।
क्या शुरू है अपने देश में, कैसा माहौल है, और हम लोग भाई साहब और हम लोग देख रहे हैं। देखो, मैंने मेरा भाषण शुरू किया तो मैंने आपको यही बोला कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सवेरे से उठकर शाम तक राहुल गांधी झटते रहते हैं। वो अकेले ही इंसान ने काम करना चाहिए क्या? आपका और हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम लोग एक एक वोट समेटे और जहां डालना है वहां डाले? हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन जब वोटिंग का मामला आता है तो हम हमारे घरों पे रह जाते हैं। ये तो गलती हुई, और ये तो गलतियां हमने इतने बार कर चुके। पिछले बार में क्या हुआ था मुझे मालूम है, इस इलाके में क्या हुआ था, क्या हुआ था इस इलाके में मालूम है ना आपको? मैंने एक इंसान ऐसा है ये जो देश के तख्त के ऊपर बैठा है, और वो हमें और आपको ये बता रहा है कि मेरे जितना नेशनलिस्ट कोई नहीं। बात एक बात हो जाती है और कहीं से पता नहीं दूसरे देश की बातें निकालता है, और सबसे पहले पंतप्रधान होने के बाद ये चोर ये लफंगा खुद होकर बाजू के देशों में गया और खुद होकर उसने ये दिखा दिया कि वो कितना बुज़दिल है। चोर तो है ही, चोर तो है ही। और बात मेरे भाइयों और बहनों, बात तो ऐसी हो गई कि पता नहीं एक नारा निकला और सारे चोर चौकीदार हो गए। पता चला अपन नेपाल में, अपन हिंदुस्तान छोड़ के नेपाल में रहने गए, हिंदुस्तान में हम रह ही नहीं रहे। क्योंकि क्योंकि देखो ना, बात ये बनती है, बात ये बनती है कि मैं एक बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मेरी आमदनी कमाऊंगा, मैं बिल्डिंग बांधूंगा, मैं चौकीदार रखूंगा, मैं घर बांधूंगा, मैं चौकीदार रखूंगा। ठीक है, युवाओं को क्या देना है, युवाओं को क्या जोश देना है कि भैया बड़े सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, और सपनों में यदि, सपनों में यदि ईमानदारी है तो कायनात भी अपने झोली में जो हमें चाहिए वो डालती है। लेकिन जो आज ऊपर बैठा है वो अपने सपने देखने का, सपने देखने, बड़े सपने देखने का हमें नहीं सिखा रहा है। वो ये सिखा रहा है कि भैया बाकी जाने दो, तुम चौकीदार हो जाओ, बाकी जाने दो, रोजगार के बारे में बाकी चीजें जाने दो, तुम पकोड़े तलो, तुम पकोड़े तलो, तुम महिलाओं के ऊपर न्याय मत करो। मैं थी दिल्ली में, और उस दिन जिस दिन संविधान को जलाया गया था मैं वहां पे हाजिर थी। मुझे फोन आए कि ताई तुम ठीक हो ना, ताई पता नहीं क्या कर रहे, लेकिन ये लोग यहाँ पे, यहाँ दिल्ली में संविधान को जला रहे हैं, और संविधान को जला रहे जिन्होंने, जिन्होंने संविधान जलाया उनके ऊपर गुन्हे भी दाखिल नहीं हुए, और आपके ऊपर और हमारे ऊपर ये लोग गुन्हे दाखिल कर देते हैं। अब बोलने के लिए बहुत है, आपको मालूम है, आपने सहा है, हमको मालूम है, हमने सहा है। इस देश में सिर्फ डर फैलाया है। मैं जहां से आती हूं वहां पे भी यही बातें होती है, और मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर में जाती हूं, लेकिन मैं भगवान को मानती हूं, मैं अल्लाह को भी मानती हूं। वहां पे मेरे इलाके में क्या हुआ मैं बता रही हूं। एक बाजार है, वहां पे गाय का और जानवरों का बाजार होता है। वो बाजार से कुछ लोगों ने वहां पे जानवर खरीदे और लेकर आए। बलगांव करके मेरा गांव है, और वहां पे कुछ अपने मुसलमान भाइयों को पकड़ा गया। मुझे फोन लगाया कि ताई ये देखो हिंदू लोगों को जाने दे रहे, मुसलमान भाइयों को पकड़ के रखा है। मैं वहां पे पहुंची, मैंने कहा ये क्या है, मैंने जय श्री राम। अरे ऐसा कैसा जय श्री राम? राम ये नहीं सिखाता है कि मारो और मरोड़ो, राम ये सिखाता है
कि सब जन इकट्ठा रहो। अरे राम मंदिर के नाम के ऊपर इन लोगों ने सियासत लाई और अभी तक राम मंदिर नहीं बनाया। मंदिर हमें बनाना है, तारीख नहीं बताना है। मैं सारे लोगों को लेकर मैं सीपी के पास गई और मैंने कहा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। मैंने देखा कि उनके सीपी के टेबल के ऊपर विश्व हिंदू परिषद का कैलेंडर है। म्हणलो वाह भाऊ लय मस्त जमवलं तुम्ही। म्हणलं तुम्ही जर व्हीएचपी चे कैलेंडर ठेवता, आप यदि व्हीएचपी का कैलेंडर रखते हो तो मैं कांग्रेस का कैलेंडर साथ में लेकर आई, वो भी रखो। डर गया, चुप नहीं नहीं माझं चुकलं ताई माझं चुकलं करके उसने कैलेंडर बाजू में रख दिया। लेकिन बात यह है हमको भी उनको डराना आना चाहिए और यदि हम उन्हें नहीं डराएंगे तो वो इसी तरह हम लोगों को डराते रहेंगे, हम लोगों के देश के टुकड़े करवाते रहेंगे। क्या हुआ यूपी में एक छोटी सी बच्ची के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि वो एक धर्म फॉलो करती थी, वो एक विशिष्ट धर्म को वो मानती थी, इसलिए ये मेरे हिंदुस्तान में इसके पहले ऐसी चीजें कभी नहीं हुई। अरे मांस के नाम के ऊपर, गाय के नाम के ऊपर ये सरकार चलाने वाले किसके हैं? एक्सपोर्ट के फैक्ट्रियां यदि आप देखोगे तो सारे हिंदू समाज के और जैन समाज के लोगों के। ये वास्तविकता है और ये वास्तविकता हम लोगों ने बोलना चाहिए। ये नहीं बोले तो ये और हमें दबाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं और एक घंटा बात कर सकती हूं लेकिन अहम बात यह है कि वोट गिरना चाहिए। भाई साहब ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, आपको संधि मिली है, आप हर तरीके से काम करिए और जीतो। बार बार ये चीजें आती नहीं है राहुल गांधी के लिए, इस देश के संविधान के लिए, ये हिंदुस्तान की एकता के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो, हमारा और इन सब का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो। आप इस दो चार दिनों में यदि कमजोर पड़े, आपने यदि मायूसी को ओढ़ लिया, आप यदि डर गए तो डराने वाले तो सियासत पे बैठे ही है। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करती हूँ और आप सभी को कहती हूँ कि देखो ये अपना देश है, अपने राहुल गांधी है, ये जो सियासत पे बैठा है ना, ये खुद के आंखों में पानी लाता है और रोता है कि मुझे 60 दिन दो, और खूब रोया कमीना। हाँ, लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी की दादी को लोगों ने मरवाया। राहुल जी और प्रियंका जी के पिताजी को लोगों ने मरवाया, राहुल जी को पप्पू कहा, लेकिन राहुल जी कभी रोए नहीं, डटे रहे, आपके हमारे बीच में आते रहे, उनको भी जान की धमकियां यहाँ पे मिलती रही, लेकिन फिर भी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सर से लेकर पैर तक हिंदुस्तान के वो काम करते रहे हैं। और उनके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, ये देश के लिए आप सब जन जागरूक हो जाओ और वोटिंग के लिए निकलो, बाहर निकलो और वोट करो और हमारे भाई को जीता के लाओ। इनको ताकत देना मैंने राहुल जी को ताकत देना, राहुल जी को ताकत देना मैंने हिंदुस्तान को ताकत देना। बस इतना ही कहती हूँ और मेरे दो अल्फाज यहाँ पे खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।